thank you असला वेलकम टू माई चैनल क्लीनेस इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप किस तरह से क्या रूल है जब फ्रंट ओपन स्वेटर आप बनाते हैं तो ये बहुत बिगिनर्स के लिए डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि भाई अगर हमने फ्रंट uh, पार्ट के लिए बैक uh, पार्ट के लिए इतने डाले हैं तो अब फ्रंट पार्ट कैसे बुने दोनों तो ये थोड़ा सा सिंपल सा एक रूल है जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी आई विल एक्सप्लेन दैट हाउ यू विल कास्ट ऑन स्टिचेज़ फॉर बोथ फ्रंट पार्ट्स वैन यू निट फ्रंट ओपन स्वेटर so there are rules rules when we knit front open sweater that we will divide the stitches we have for the back part into two like we have 108 108 stitches for the back part so we will divide the 108 stitches into two means 54 here 54 here because we had 108 100 108 stitches for the back part and you will follow how many stitches you have सो दिस थ्यूरी विल हेल्प यू टू नेट फॉर एनी साइज़ यू वॉन्ट आपने क्या करना है अभी हम मैं आपको थोड़ा सा लिख के शेप दे के बताऊंगी कि फ़्रंट ओपन स्वेटर की जो मतलब रूल है कि आपके पास जितने भी बैक पार्ट के फंदे हैं उनको आपने आधा आधा कर लेना है मतलब अगर 108 सौ हैं तो 108 सौ का होता है 54 54 मतलब 54 इस फंदे इस साइड स्वेटर के लिए फ़िफ्टी इस साइड स्वेटर के लिए तो हम ये इमेजिन करें कि फ्रंट पार्ट है फ्रंट पार्ट ठीक है तो ये फ्रंट पार्ट है सारा तो फ्रंट के दो पार्ट होते हैं देर आर टू पार्ट दिस इज फ्रंट पार्ट एंड दिस इज अदर फ्रंट पार्ट This is totally rough work. You can do it before starting to knit. Okay? So, this is first front part, second front part. First front part, second front part. So, we had a 108 stitches for back. Now, this is front. So, we will divide 108 stitches into 54, 54. ओके फिफ्टी फोर स्टिचेज हेयर फिफ्टी फ़ोर स्टिचेज हेयर फर्स्ट फ्रंट पार्ट फ्रंट पार्ट सेकेंड फ्रंट फ्रंट पार्ट मतलब फिफ्टी फोर यहाँ पर हमने डाले फिफ्टी फोर फंदे यहाँ पे एक सौ आठ का आधा आधा किया आपके पास अगर सौ होगा तो पचास पचास दो सौ होगा तो सौ सौ पहले हम ये थ्योरी ये ख्याल रखेंगे उसके बाद अब देखेंगे कि भाई ये फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में तो बॉर्डर भी बनेंगे ना बॉर्डर भी बनेंगे My drawing is not good, so just I'm trying to explain. Sorry for that. Okay, so these are borders for front parts. Border हैं ये front part आगे वाले hisse के लिए तो 54 फोर यहाँ पर हमने लगाए 54 फोर यहाँ पर अब आपने ये देखना है कि आप स्वेटर की साइज़ के हिसाब से बॉर्डर कितना बड़ा रखना चाह रहे हैं अब जैसे कि मैं 10 फंदों का बॉर्डर रखना चाह रही हूँ 10 स्टिचेस आई वॉन्ट बॉर्डर टेन स्टिचेस फॉर बॉर्डर आई वॉन्ट टेन स्टिचेस फॉर बॉर्डर फॉर बोथ साइड प्लस ओके ठीक है ये है थ्योरी रूल अब देखें आप मेल के लिए बना रहे हैं फीमेल के लिए बना रहे हैं चाइल्ड के लिए बना रहे हैं गर्ल बॉय सबके लिए यही रूल फॉलो होगा जब आप फ्रंट ओपन स्वेटर बनाएंगे फ्रंट ओपन स्वेटर बनाने का ये रूल है जितने भी आप बैक के लिए फंदे लेंगे उसको आधा करेंगे और उसके बाद आधा आधा करने के बाद आपने बटन बटन पट्टी के लिए जो बॉर्डर है हमारा उसके लिए कितने फंदे डालने तो दोनों को अगर हम एडअप करेंगे तो कितने होंगे 54 फोर प्लस टेन सिक्सटी फोर चौसठ फंदे मतलब अब हमने कितने डालने हैं फ्रंट पार्ट के लिए दोनों के लिए चौसठ फंदे ठीक है सिक्सटी फोर अगर आपने ज्यादा किए हैं बैक पार्ट के लिए तो आधा करेंगे और फिर देखेंगे कि बटन पट्टी आपको कितनी चाहिए उस हिसाब से यू विल एड स्टिचेस फॉर बटन पट्टी नाउ वी हैव फाइनल नंबर टू कास्ट ऑन फॉर द स्वेटर आई एम निटिंग अकॉर्डिंग टू साइज आई वॉन्ट यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज वट एवर यू साइज विथ लेंथ यू वॉन्ट फॉर द स्वेटर आपने जो भी रखना है पॉइंट जिस तरह रखनी है जितने फंदे रखने हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं देखें अगर मेल का बना रहे हैं हो सकता है डेढ़ सौ फंदे हो उसको आप आधा आधा कर लें एक सौ पचहत्तर उधर हो जाएंगे पचहत्तर उधर हो जाएंगे और फिर उस देखेंगे कि बटन पट्टी कितनी चाहिए बच्चे का बना रहे हैं तो वो छोटा होगा और तो फिर क्या करना है आपने सिर्फ बैक पार्ट के फंदों को डिवाइड करना अब आप कहेंगे कि बैक पार्ट के फंदे हम कैसे पता चले कि कितने डालने हैं साइज़ के हिसाब से तो मैंने वो वीडियो सिखाई हुई है मैं कोशिश करके दे दूंगी इसमें डिस्क्रिप्शन में आप सर्च भी कर सकते हैं कि हाउ टू कास्ट ऑन स्टिचेस फॉर एनी प्रोजेक्ट एनी साइज ऑफ स्वेटर ये वीडियो मैं दे दूंगी तो आप सर्च कर लीजिएगा आपको हेल्प होगी तो दिस इज द सिंपल रूल फॉर अ फ्रंट ओपन स्वेटर यू विल जस्ट डिवाइड स्टिचेस यू हैव फॉर द बैक पार्ट एंड देन एड द स्टिचेस For the button party, on both sides, then you will start the knitting any design you want. तो मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके यहां पे बताई है वो इस स्वेटर के हिसाब से बताई है जो कि मैं लेडीज स्वेटर बना रही हूं इसकी वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगी आप वीडियो को सब्सक्राइब करके आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाए ये लेडीज स्वेटर है मैं बस यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा सिंपल सा रूल बताना चाह रही हूँ क्योंकि अगर आप इस साइज़ से बड़ा स्वेटर बनाना चाह रहे हैं या इसे छोटा बनाना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से फ्रं, फ्रंट फ्रंट पार्ट्स को डिवाइड करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज़